बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है, एक छोटी सी कोटेशन से शुरू करते हैं। वो कोटेशन ये है, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। ये स्टेटमेंट आपने कई दफा सुनी होगी, रोजमर्रा स्कूल्स में भी सुनते हैं, वालदैन से भी सुनते हैं, किसी पढ़े लिखे इंसान से भी सुनते हैं। ठीक है, इससे मुराद ये है कि जब भी आपको गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, चाहे कोई भी काम जिंदगी का लाइफ का कर रहे हैं, तो जब भी मिस्टेक्स करेंगे तो इस बात का ये प्रूफ है, इस बात का ये सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इसी बात को अगर मैथ के सब्जेक्ट के हवाले से देखें, तो जब भी आप मैथ का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो ये मिस्टेक्स जो है बेसिकली आपको सिखाती हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। तो जब भी मिस्टेक्स होगी तो आपने घबराना नहीं कि मुझसे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, जब आप मिस्टेक करेंगे तो आप सीखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर, और मेरे साथ आप जैसा कि जानते हैं क्लास 8 का जो लेक्चर है वो ले रहे हैं मैथ के, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.7 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज देखते हैं हम क्या चीज जो है नई सीख रहे हैं। तो चलते हैं फिर व्हाइट बोर्ड की तरफ। जैसे कि इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमने ये वाला फार्मूला, क्यूब का फार्मूला सीखा था। ठीक है, क्यूब के फार्मूले के क्वेश्चन भी की थे, क्यूब के फार्मूले की प्रॉपर एप्लीकेशन जो है क्वेश्चन में हमने परफॉर्म की थी। वो वीडियो जो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर देखिएगा। तो आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्यूब का फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला फिर माइनस में भी है, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के क्वेश्चन जो है आप कर चुके हैं। ठीक है, पहले इसके जो पहला क्वेश्चन है उसके 12 पार्ट है वो मैंने आपको करवा दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो है एक नए तरीके से सीखेंगे क्यूब का फॉर्मूला हम किस तरह अप्लाई करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा इफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। क्वेश्चन है जैसे कि 6.1 में हमने स्केयर के फॉर्मूले में ये सवाल इस तरह के आए थे, इस तरह क्यूब के फॉर्मूले में भी ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा, फ्रैक्शन में होगा और आपने ये वैल्यू निकालनी होगी। तो इस सवाल को फिर देख लेते हैं, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8 ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है और आपने वैल्यू आपने इसकी निकालनी है। तो इस जैसे कि क्यूब नजर आ रहा है तो ठीक है, आपने क्यूब के फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लें, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8 लिख लेंगे। दोबारा क्वेश्चन को लिखेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8। अब अगर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्यूब ले लेंगे, क्यूब लेंगे तो यहाँ पे आपका ए जो है वो एक्स है और बी जो है आपका 1 ओवर एक्स है। इस फॉर्मूले के अंदर ए जो है एक्स है, बी जो है 1 ओवर एक्स है। तो ए क्यूब प्लस 3ab ये आपका a है, ये आपका b है, इनटू a प्लस b प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब भी ले लें, 8 को 3 दफा 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई कर दें। तो x क्यूब प्लस 3 इनटू x इनटू 1 ओवर x इनटू x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x होल क्यूब, ये आपका फॉर्मूला जो है उसकी शेप में लिख दिया जैसा कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। जस्ट आपने a की जगह x और b की जगह 1 ओवर x कर देना है। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे एक्स क्यूब भी होता है प्लस 3, ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है 8 आप जानते हैं, ये एक नई चीज है यहाँ पे, ये स्क्वायर के क्वेश्चन में ये नहीं थी, यहाँ पे एक नई और एक्स्ट्रा चीज है कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 8, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब जो है 1 ओवर एक्स क्यूब ही होगा, इज इक्वल टू 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आपके पास आंसर आएगा इसका। तो अब देखते हैं 8 3 24 x³ + 24 1 ओवर x³ = 512। अब जानते हैं आपके आपने x³ + 1 ओवर x³ की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपके पास 24 एक्स्ट्रा है, तो 24 एक्स्ट्रा 24 को आप यहाँ इस तरफ जो है मूव कर दें, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं कि 24 को 512 से पहले लिख देते हैं, 512 ऑलरेडी वहां पे मौजूद है तो जो 24 है वो उस तरफ जाएगा, 24 इस तरफ आ गया, 512 में से 24 माइनस करेंगे 488 जो है वो आपका आंसर आ गया, यानी x³ +
1 over x cube is equal to 488, ये आपका आंसर है, x cube plus 1 over x cube का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इट इज जरा इसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट दरमियान में माइनस का साइन है, एक प्लस का क्वेश्चन है एक माइनस का क्वेश्चन है, इसमें नंबर बड़ा था 8 है, इसमें नंबर बहुत छोटा है। अगेन लिखेंगे x minus 1 over x is equal to 3, x minus 1 over x whole cube is equal to 3 का cube, यानी taking cube on both side, दोनों तरफ आप cube ले लेंगे, equation के दोनों तरफ आप कोई भी काम एक जैसा कर सकते हैं math के अंदर, वही formula apply करेंगे, यहाँ पे आपका a जो है वो x है और b आपका 1 over x है, formula open कर दें, a cube minus 3ab into a minus b minus b cube, a की जगह x cube minus 3ab, a और b, a की जगह x, b की जगह 1 over x into a minus b, x minus 1 over x minus b cube, 1 over x का cube, और 3 को 3 दफा multiply कर दें, तो ये आपस में जैसे कि उस question में cancel हो गए थे, यहां पे भी ये जो आपस में cancel हो जाएंगे, तो ये आपका x cube minus 3 ये वाला और ये आपस में cancel हो गए हैं, तो इसकी value जो है वो put कर देनी है, इसकी वैल्यू x minus 1 over x is equal to 3, तो ये पुट कर देंगे तो ये 3 जो है वो वाला 3 है, ये जो वैल्यू है minus 1 over x cube is equal to 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 3 3 is 9, x cube minus 9 minus 1 over x cube is equal to 27, अब minus 9 है आपने इसको इधर मूव कर लेना है, x minus 1 over x cube is equal to 27 plus 9, ये इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 27 में 9 प्लस करेंगे तो आपके पास 36 आएगा, तो x cube minus 1 over x cube is equal to 36, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप देख सकते हैं एक जैसे क्वेश्चन है, जस्ट इसमें डिफरेंस है तो एक साइन का डिफरेंस है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह के हैं बिल्कुल, एक में प्लस है एक में माइनस है, बिल्कुल यही फार्मूला है, जस्ट इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, वो आपने खुद करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा कि बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप खुद कीजिएगा और करने के बाद मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो जिसने भी कर लिया क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में वो डन या यस लिख दे, मुझे पता चल जाएगा आपसे ये क्वेश्चन हो गया, जिससे नहीं होगा तो उसको मैं दोबारा समझा भी दूंगा, अगर इसकी जरूरत हुई दोबारा इसके ऊपर वीडियो भी हम बना लेंगे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं जी, तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला, सेम इट इज 6.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है, क्यूब निकालना है इन नंबर्स का बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूले को इस्तेमाल करना है, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पेपर में ये लिखा हुआ नहीं आएगा, आपने जस्ट खुद से ये देखना है कि क्यूब निकालना है तो क्यूब का फार्मूला होगा, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का फार्मूला होगा, ये तीन पार्ट है इसके, 13, 103 एंड 0.99, ये तीन पार्ट है जिनमें से दो पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, ये वाला पार्ट जो आप खुद करेंगे, तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, 103, ठीक है, 103 को आपने क्यूब की शक्ल में a plus b की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे आप इसको 100 plus 3 कर सकते हैं, इसको 101 plus 2 कर सकते हैं, इसको 102 plus 1 कर सकते हैं, इसको 110 minus 7 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि जिस तरह कर लें, मैंने इसको 100 plus 3 किया, ये सबसे इजी है क्योंकि 100 एक राउंड नंबर होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर लेना या क्यूब लेना इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, तो आप अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, आंसर आपका ठीक आएगा, तो यहाँ पे आपका जो ए है वो 100 है, बी जो है आपका वो 3 है, जहां जहां फार्मूले में ए है वहां पे 100 आएगा और जहां जहां फार्मूले में बी है वहां पे 3 आएगा, तो 100 प्लस 3 क्यूब लगा दिया, क्यूब क्यों लगाया कि यहां पे ऊपर लिखा हुआ है कि आप क्यों आपने क्यूब लेना है, इसलिए हमने क्यूब लगाया, फार्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस 3ab इनटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, 100 क्यूब यानी ए क्यूब प्लस 3 ए और बी की जगह 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 100 प्लस 3 ए प्लस बी प्लस 3 क्यूब, ये फार्मूला अप्लाई हो गया, फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, 100 का क्यूब लेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, ये आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इजाजत है कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की, लेकिन अगर आप सिंपल चाहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही कि इसको कैसे करना है तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, ट्रिक वो ये वाली है, इसलिए मैंने ये राउंड नंबर लिया था, राउंड नंबर का फायदा ये होता है कि ये तीन दफा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तीन दफा 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है, साथ 0 मिलने कितने हैं, 0 जो है 6 टाइम यानी 6 0 है, 6 0 है टोटल, तो इनको आप साथ ऐसे लिख लें,
जितने जीरो है उतने जीरो लिख लेंगे, तो ये आपका बगैर कैलकुलेटर के भी आपका ये आंसर आ जाएगा कि 100 का क्यूब क्या आता है। इसलिए जो है ये 100 का क्यूब, अगर 101 लेंगे 101 आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यह कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 100 अगर लिख लेंगे तो ये कैलकुलेटर के बगैर भी आप कर सकते हैं। प्लस 3 3 9 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा। 100 को प्लस 3 कर दें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 100 प्लस 3 है, प्लस का साइन है, जैसे कि इसके अंदर प्लस है a प्लस बी, ठीक है, तो a प्लस बी है, तो 100 प्लस 3 करेंगे तो 103 आ जाएगा। प्लस 27 का क्यूब, 27 का क्यूब आप जानते हैं 3 × 3 × 3 तो ये 27 आएगा। तो ये 27 आ गया। अब भी आप इसको जस्ट आपने ऐड करना है, ऐड कर लें 900 को 103 से मल्टीप्लाई करें तो 92,700 आएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ प्लस 27। अब जस्ट आपने सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करके इन सबको ऐड कर लें तो ये आपके पास 103 का आंसर, 103 का क्यूब, यानी 103 × 103 × 103 करके चेक भी कर लें तो ये आपके पास आंसर आ गया। हमने इसको बाय यूजिंग फार्मूला किया है, फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इसका क्यूब क्यों निकाला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हमने इसको यूजिंग फार्मूला क्यों किया है, हम तो जस्ट वैसे भी कर सकते हैं, तो ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि देखने में 0.99 लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा नंबर है, 1 से भी छोटा है, लेकिन इसका क्यूब भी देखने में आपको बड़ा नंबर बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन वो 0.970299 है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। 0.99 है, इसको 1 − 0.01 कर लिया। अब इन दोनों को माइनस करें तो यही आता है, ये मैंने माइनस के तरीके से किया है। जैसे आप समझ लें कि आपके पास 99 है, 99 एक नंबर है, तो उसको आप 100 − 1 कर लेंगे, ठीक है, 100 − 1 कर ले तो 99 आ जाता है, इसलिए मैंने माइनस के तरीके से किया। तो आपने क्योंकि 99 नहीं है, 0.99 है, तो 0.99 में अगर 1 में से ये माइनस करें 0.01 तो माइनस करें तो आपके पास 0.99 आ जाता है। अगर ये निकालते कैसे, जस्ट कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर से 1 में से ये माइनस कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये नंबर ढूंढना यहाँ पे ये वाला ट्रिक है थोड़ा सा, ये यहाँ पे बच्चे गलती कर जाएंगे, आपने नहीं करनी बिल्कुल भी। अभी देखते हैं, हमारे पास जो ए है वो 1 है, बी हमारे पास 0.01 है, जहां जहां पे भी ए है और बी है वहां पे ये वैल्यूज आप पुट कर दें, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब, ए की जगह 1 − 3 फार्मूले वाला ये वाला 1 × 0.01 × 1 − 0.01 − 0.01 क्यूब, जस्ट सिंपल कर सिंपलीफाई कर ले, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 × 1 × 1, ठीक है, 3 दफा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तीनों को आपस में, ठीक है, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप पिछली क्लासेस में बाय हाथ से ही करते आ रहे हैं मैनुअल तरीके से इनको मल्टीप्लाई, तो बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे, वरना आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल जरूर कर लें, इससे टाइम की बचत हो जाएगी और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। मल्टीप्लाई किया तो 0.03 आपके पास आंसर आएगा। अब इनको 1 − 0.01 इन दोनों को माइनस कर लें, माइनस करेंगे इनको तो वही हमारे पास आ जाएगा 0.99, ये आ गया। माइनस इसका क्यूब लेना आपने, यानी इसको आपने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, इसी नंबर को 3 दफा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 0.00001 ये आपके पास आया, ये कैलकुलेटर से करेंगे आप। अब इन तीनों को माइनस कर ले, 1 में से पहले इसको माइनस करें फिर इसको माइनस करें तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.970299, ये इसका आंसर आया। आप इसको लहदा से भी 3 दफा मल्टीप्लाई करके चेक कर लें तो यही आपके पास आंसर आएगा। इस तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पार्ट 3 हो गया। पार्ट 1 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 जो है आपने खुद सॉल्व करना है, इतना इजी है, इसको 10 + 3 कर सकते हैं, 15 − 2 कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सबसे अच्छी बात है 10 + 3 करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इनको बाय फार्मूला करने की क्या जरूरत है, जस्ट वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले की एप्लीकेशन सिखाना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, जस्ट वेरिएबल और कांस्टेंट थे, कोफिशिएंट थे उनके साथ या कांस्टेंट थे, फिर इसी वीडियो में हमने शुरू में देखा तो फ्रैक्शन के साथ कुछ नंबर थे, और अब जस्ट जो है सिंपल नंबर है,
ठीक है, सिंपल नंबर है, तीनों तरीकों से उन्होंने एक फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है, फॉर्मूले की बेसिकली प्रैक्टिस करवाना है इस क्वेश्चन में, मकसद था कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो की बात की थी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा मिस्टेक होंगी, जितनी ज्यादा मिस्टेक होंगी तो आप सीखेंगे। तो आखिर पे आपने ये काम करना है कि अगर ये वाला पार्ट आपने कर लिया है, ठीक है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल लिख दें, और अगर पूरी वीडियो की आपको समझ आ गई है तो फिर भी आप उसका फीडबैक भी जरूर दे दें, और लास्ट पे आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को तो आपने लाइक कर लिया है मुझे पता है। तो इसके बाद आपकी जो 6.7 है ये भी आज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।